क्लास 12th मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है 28 ईयर डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5J के क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स साइन 2y इक्वल टू वाई कोस 2x ये हमें दे रखा है, तो इसमें दो फंक्शन की प्रोडक्ट का फॉर्म लगा हुए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, साइन 2y का कोस 2y, 2y का 2y का dy / dx, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड हो गया था, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, फिर इधर भी ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, कोस 2x का माइनस साइन 2x, 2x का 2, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट dy / dx। अब हमने जिन जिन टर्म में dy / dx है एक तरफ कर दी, इसमें है dy / dx ये तो यही रख दी, ये कोस 2x dy / dx इसको दे दिया ये माइनस का हो गया, और विदाउट dy / dx वाले टर्म इधर ये आ गया माइनस का 2y माइनस 2y साइन 2x, ये साइन 2y प्लस का हो जाके माइनस का हो गया, इसमें से dy / dx कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये इसके अकाउंट में चला गया, फिर नीचे से माइनस कॉमन लेकर काट दिया, ये इसका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें ये हमें लाइन दी हुई है डेल प्रूव दैट यू प्रूव करना अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव करना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम अवलोकन करेंगे वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशियल करेंगे इसकी पावर 1 बाय 2 आगे आ जाएगी 1 बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 माइनस 1 और इसकी इसका डिफरेंशियल होगा इन टू 1 का 0 एक्स स्क्वायर को माइनस 2x, इस 2 से 2 कट गया, ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन हो गया डिफरेंशियल ऑफ सेकंड हो गया, अब सेकंड फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट dy / dx, ऐसे यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल हो जाएगा इसका, इसकी पावर है 1 बाय 2 आगे 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 माइनस 1, 1 का 0 माइनस के 2y माइनस के 2y और y का dy / dx। अब आगे आ गया फिर आ गया हमारा सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और एक का डिफरेंशियल हो गया 0। अब यहाँ पे हम माइनस एक्स वाई बटे अंडर रूट इसकी पावर माइनस का एक बटा दो रह जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा ये जो टर्म है हमारी इसमें है माइनस के एक्स वाई ये अपॉन में चली जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये आगे टर्म ये वाली टर्म जुड़ी दो होगी लास्ट वाली टर्म जुड़ी दो होगी, इन दो टर्म चार टर्म है मेरे पास 1 2 3 4 चार में से 2 में डी वाई बाई डी एक्स है 2 में डी वाई बाई डी एक्स नहीं, तो dy / dx जिसमें है ये तो रोक लिया हमने ये तो कर दिए जमा जिसमें dy / dx नहीं है और जिसमें dy / dx है उसमें dy / dx कॉमन लेकर लिख दिया, फिर ये वाली टर्म का एलसीएम ले लिया 1 - x स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी इसकी इधर होगी, ये पूरी टर्म उधर चली गई माइनस में होगी, इसका एलसीएम ले दिया 1 - y स्क्वायर इसकी इसमें कर देंगे माइनस के एक्स वाई और ये आ गया जी आपका dy / dx। अब ऊपर की टर्म सेम है अंडर रूट प्लस का है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ये प्लस का है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ये माइनस का एक्स वाई है ये माइनस का एक्स वाई है ऊपर की टर्म से कट गई ये बच गया यहाँ पे इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी इधर तो ये आ गया अंडर रूट माइनस के अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यही हमें प्रूव करना, तो दैट्स ऑल इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो चुके हमारे 11 तक के, तो इसके आगे के क्वेश्चन कल को बताएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे और जो आपके प्रॉब्लम्स को मार्क करिए वे डिस्कस कर ली जाएगी बाद में।